नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंचायत जीरो पॉइंट समक्ष मौजूद जल मीनार लगभग 4 वर्षों से बंद पड़ा था, जिस कारण 10 गांव के ग्रामीणों के सामने स्वच्छ जल की समस्या बनी हुई थी। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर डीवीसी प्रबंधन से लेकर उपायुक्तों को पत्राचार किया, पर 4 वर्षों से ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। अंततः मजबूरन ग्रामीणों ने अपनी एकता और परिश्रम के बल पर खुद से जल्द मीनार को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। आखिरकार ग्रामीणों की एकता, उत्साह, परिश्रम रंग लाई। शनिवार को ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी नजर आई। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से कई प्रयासों के बाद भी सरकारी उदासीनता के कारण जल मीनार को प्रारंभ नहीं किया जा सका। हर तरफ आश्वासन और निराश शाही हाथ लगी। अगर विभाग से योजना आया भी तो बंदर बाट हो गया। ग्रामीणों ने यहां तक बताया कि आखिरी बार जब विभाग के अधिकारी आए तो जल मीनार को प्रारंभ करने के लिए 25 लाख का खर्च बताया था, जिसके बाद ग्रामीण पूरी तरह से निराश हो चुके थे। थकार कर आखिरकार सोनाबाद, साढ़मारा, भालका, लालडी, खैर कियारी, कास्ताबाद, बूटबाड़ी, जमायपाड़ा, खारूडी, बांदा आदि गांव के ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस जल संकट को समाप्त करने का निर्णय लिया और आज ग्रामीण एकजुटता का परिचय देते हुए जल संकट को समाप्त कर दिए। ये 4 साल से लगभग बंद था। इस दौरान में प्रबंधन या डीवीसी प्रबंधन से वार्ता हुआ था इसको चालू करने के लिए। डीवीसी प्रबंधन को भी चिट्ठी दिया गया था, मेरे द्वारा उपायुक्त डीसी धनबाद को भी एक स्मार्ट पिटीशन दिया गया था चालू कराने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम ये स्टेप पूरा ग्रामीणों के साथ लेके, ग्रामीणों का मतलब ये डिमांड था, उसी को लेके चालू करने के लिए आगे बढ़े और आज इसको सफल किए, आज चालू किया गया। ये पानी कितना ग्रामीणों तक पहुंचेगा? ये सोनाबाद, साढ़मारा, भालका, लालडी, खैरकारी, बैद्यनाथपुर, कस्ताबाद, बूटबाड़ी, आपका जमायपाड़ा, खारोडी, बांदा, ये पूरा मोटा लगभग 15,000 जनसंख्या जो है पॉपुलेशन इस पानी को उपयोग करता है। अपना डैम के नीचे से भी पानी लेके बहुत कोई आया है। बस्ती का औरत लोग भी बहुत पानी के लिए बहुत तकलीफ दिया है। बच्चा लोग को तक भी देखे हैं कि नदी से जा जा के पानी, नहाने के लिए भी दिक्कत, खाने पीने के लिए भी दिक्कत। की रकम कष्ट होते चले, की रकम असुविधा छिलो जल बिना? खुबी कष्ट चले। कल हैच का कल दिया, हैच का कल गेले नि जल हैच कइते पाछी नै, हाते आर भी था हो जे छे, खराब हो जे छे, लाल हो जे छे, जल खूब आयरन। गांव में मतलब जितना भी गांव है यहां पर डीवीसी के रहते हुए भी इतना साल हो गए, हम लोगों का पानी का एक भी सुविधा नहीं है। फिर भी एक बार दो बार आता है, एक साल करके, एक साल की भी नहीं, 5-6 महीना करके रहता है पानी, फिर बंद हो जाता है। इतना दिन बाद ये सचिंदा, फिर सचिंदा के सारे लोग मिलकर ये जो मतलब ये उठाया है, फिर हम लोगों को जो पानी मिल रहा है हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है। बंद था, हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत था, ये चालू हुआ ये हम लोग को बहुत खुशी है। मुखिया तो किछु करलो ना, तार जोन्नो आमरा वार्ड छिलाम किन्तु आमरा करते पारिनि मुखिया सते, तार जोन्नो दादा सते लड़े, एबारे आमरा देखछि दे चालू करते पारलाम, पेरे पेरे खूब भालो लागलो। जी, 4.5 साल बंद रह गया, इसके बीच में SIP अगला लॉकडाउन के टाइम बनाया, लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं चला कि 1 घंटा भी कैसे नहीं चला। और उन लोग के हिसाब से पंप उठाया गया, बनाया गया, फिर डाला गया, लेकिन पंप ही नहीं बना और कुछ भी नहीं। हम लोग से भेजा गया PhD विभाग से, विभाग वाले आए थे, आके देख के गए और बोले कि हम एस्टीमेट बना रहे हैं, 25 लाख लगभग लगेगा, इसके बाद चले गए।